बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का आगाज किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता क्या है और हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, साथ के साथ आप किस तरह से अपने पीसी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर सकते हैं, ये करना आपको सिखाया था। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस एक्सेस के प्रोग्राम पर लेफ्ट क्लिक दबाएंगे। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक बटन दबाएंगे, आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप गौर करें तो इस होम बटन के नीचे आपको एक न्यू का बटन नजर आ रहा है और एक ओपन का बटन नजर आ रहा है। न्यू से मुराद है कि अगर आप कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस न्यू पर जाएंगे, और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, कोई पहले से डेटाबेस आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो फिर आप इस ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों, न्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ब्लैंक डेटाबेस और साथ के साथ ये आपको कुछ टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। यानी दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि एमएस एक्सेस आपको दो तरह से डेटाबेस को क्रिएट करना प्रोवाइड करता है। सबसे पहला तरीकेकार है कि अगर आप कोई ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कोई ऐसा डेटाबेस है जो कि आप बिल्कुल शुरुआत से ही बनाना चाहते हैं, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर डेटा बिल्कुल अलग तरीके का है, तो उसके लिए फिर आप इस ब्लैंक डेटाबेस को चूज करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई इस तरह का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं कि जैसे अगर आप बात करें किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का, तो ऐसे डेटाबेस आमतौर पर हर यूनिवर्सिटी का सेम होगा, इस तरीके से हर स्कूल के डेटाबेस सेम होंगे। तो इसीलिए एमएस एक्सेस आपको कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। तो ये टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ये रेडीमेड डेटाबेसेस होते हैं, यानी इसके अंदर फॉर्म्स, टेबल्स और फील्ड्स वगैरह पहले से मौजूद होती हैं, पहले से बनी हुई होती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को, उस अपने रिकॉर्ड को उसके अंदर एंटर करवाना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट डेटाबेस नजर आ रहा है इन्वेंट्री का। अब जैसे ही आप माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक के बटन को प्रेस करेंगे, तो आपके सामने ये इन्वेंट्री के डेटाबेस की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, ये सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं। यहाँ पर ये डिफॉल्ट इसका नेम लिखा हुआ है, डेटाबेस 10। लेकिन अगर आप इसको कोई अपना नाम देना चाहते हैं, कोई फाइल नेम इसका रखना चाहते हैं, जैसे आप रख सकते हैं माय इन्वेंट्री डेटाबेस, और ये लिखने के बाद, यानी फाइल नेम देने के बाद, आप यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो दोस्तों, इस सी यूजर्स और राबिया खान और डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर आपकी फाइल नेम जो है ये क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों, आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो आपके सामने ये पूरा टेम्पलेट, ये पूरा इन्वेंट्री का टेम्पलेट आ जाएगा, इन्वेंट्री का डेटाबेस आ जाएगा। इसमें तमाम टेबल्स भी होंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जब आप इस नेविगेशन पेन पर जाएंगे तो ये इन्वेंट्री डिटेल्स का आपको नजर आ रहा है एक टेबल, इसी तरह इन्वेंट्री लिस्ट का टेबल है, इस तरीके से इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन लिस्ट का टेबल है। यानी दोस्तों, आप गौर करें तो ये तमाम फील्ड्स, तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं पहले से लिखी हुई। सिर्फ और सिर्फ आपको अब यहाँ पर अपना रिकॉर्ड एंटर करवाना है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप किसी पहले से मौजूद टेम्पलेट पर डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे आपका वक्त बच जाएगा। दोस्तों, टेम्पलेट्स के बाद जो दूसरा तरीकेकार है डेटाबेस को क्रिएट करने का, वो है ब्लैंक डेटाबेस को। यानी ये दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि आपको डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए न्यू पर जाना है, और न्यू पर आपको दो चीजें मिलेंगी कि अगर आप कोई पहले से किसी टेम्पलेट के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी टेम्पलेट रखा हुआ है, बस आप डेटा को उसके अंदर डालेंगे, तो उसके लिए आप टेम्पलेट्स पर जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, फील्ड्स नेम, टेबल्स नेम, सब कुछ खुद से लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप इस ब्लैंक डेटाबेस पर माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक का बटन प्रेस करेंगे, वही विंडो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपका फाइल नेम पूछेगा, उसके बाद जैसे अगर आप डिफॉल्ट फाइल नेम रखना चाहते हैं तो आप डिफॉल्ट रख देंगे, वरना हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट का। और उसके बाद दोस्तों, आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपको एक टेबल क्रिएट हुआ हुआ भी नजर आ रहा है।
और इस ब्लैंक डेटाबेस के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फील्ड नेम नहीं लिखा हुआ, यानी यहाँ पर फील्ड नेम आपको रिकॉर्ड टेबल्स हर चीज खुद से आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप डेटाबेस को दो तरीकों से एमएस एक्सेस के अंदर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ब्लैंक डेटाबेस, यानी अगर आप शुरुआत से कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप पहले से मौजूद यानी किसी टेम्पलेट पर अपना डेटाबेस बनाना चाहते हैं, सिर्फ आपके पास टेम्पलेट मौजूद हो, रेडीमेड टेम्पलेट मौजूद हो और आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपना डेटा को डालना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक मेन्यू ओपन होगा। उस मेन्यू के अंदर आपको दो तरह के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, न्यू का भी, और उस न्यू के जरिए आप ब्लैंक डेटाबेस और टेम्पलेट्स के जरिए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट हुए हैं और उन मल्टीपल डेटाबेसेस में से आप कोई डेटाबेस ओपन करवाना चाहते हैं तो फिर आप इस ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे, और ओपन के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कई तरह के डेटाबेसेस आपको नजर आ रहे हैं जो आपने पहले से क्रिएट किए हुए हैं, तो वो भी आप इस पर ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों ये था तरीकेकार एमएस एक्सेस के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करने का। अगले लेक्चर में हम एक क्विक रिव्यू देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जो एप्लीकेशन विंडो है उसमें कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फॉर्म्स, क्रिएट्स, तो ये सब किस तरह से काम करते हैं, इनके अंडर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, तो उससे हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।